Hey there everyone, welcome back to channel again, and in this video we will cover about the how you can create alarm system in your Jarvis. बिल्कुल सही सुना, जैसे कि आप Alexa को, जैसे कि आप Google Assistant को ये चीज़ बोलते हो कि Alexa मुझे कल उठा देना इतने टाइम पे, या फिर Google Assistant को ये बोलते हो कि वेक मी अप एट इतना, या फिर आप सेट अलार्म एट 8 AM और वो आपको सुबह अगले दिन के लिए अलार्म बना लेती है और सेट कर देती है। ठीक है, वैसा ही सिस्टम हम अपने जार्विस के अंदर बनाएंगे और बहुत ही कम टाइम के अंदर बनाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने जार्विस को कर लेना है VS Code के अंदर इस तरीके से ओपन, और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपको एक यहाँ पे एक फाइल बनाए आप, और यहाँ पे आप एक नई फाइल बनाएं जिसका नाम आप रखें alam_data.txt। ठीक है, इस alarm.txt के अंदर वो डेटा स्टोर होगा, यानी कि टाइम स्टोर होगा कि किस किस टाइम में आपको अलार्म की नीडेड है, और वो डेटा, ठीक है, उस टाइम पे जब भी टाइम इक्वल होगा उस टाइम पे वो आपको साउंड या बीप करके दे देगा। दैट इज ऑल, समझ गए आप? आप लोग को याद होगा हमने यहाँ पे थ्रो अलर्ट का एक फंक्शन बनाया था, और थ्रो अलर्ट के फंक्शन के थ्रू पे ही हमने ये सारी चीज़ें की थी। तो मैं चाहता हूँ आप थ्रो अलर्ट वाले फंक्शन पे ही चेक शेड्यूल को कॉपी करिए, और हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अभी आपको यहाँ पे फाइल पाथ दिख रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलार्म पाथ, ALAM अलार्म पाथ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, या फिर आप इसे वहां पे भी पेस्ट कर सकते हो एज यू विश, अलार्म पाथ आर, और यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट करूँ। और जो जस्ट ना मैंने एक फाइल क्रिएट की है यहाँ पे, ये रहा अलार्म डेटा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इट इज़ जस्ट एक्सपेरिमेंट जो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे करके कर सकते थे। अलार्म पाथ इज इक्वल टू अलार्म पाथ इसके अंदर पास कर दिया हमने, यहाँ पे फाइल पाथ पास है ना। अलार्म पाथ को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, अलार्म पाथ, ओके। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पीक भी करेगा और अलर्ट में मैसेज शो करेगा। अब यहाँ अलर्ट के अंदर क्या टेक्स्ट मैसेज शो करेगा, टेक्स्ट मैसेज क्या शो करेगा वो देखते हैं। तो अलार्म पाथ के अंदर जब हम इसे पास करेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मॉडिफाई चेक करेगा कि क्या उस पर कोई भी ऐसी डेट है, कोई भी ऐसा टाइम है जो अभी करंट टाइम से मैच हो रहा है, कंटिन्यूसली ये चेक करता रहेगा, ठीक है। और अगर वो मैच हो जाता है, अगर मॉडिफाइड का मैच हो जाता है, तो ये क्या करेगा, लोड उसको फाइल को वो करेगा, और यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज। अब स्पीक के अंदर आप सोच रहे हो ये टेक्स्ट हमने क्या पास किया है ना, तो यहाँ पे आपको याद होगा तो इस वाले उसके अंदर हम एक अलर्ट मैसेज पास कर रहे थे, और वो अलर्ट मैसेज क्या होता था हमारा, वो यहाँ से जनरेट होके आता था हमारा, ठीक है। एंड हियर इज द टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इक्वल टू शेड्यूल टाइम, करेंट टाइम आता था यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज आपकी यहाँ पे भी आती है, मैं चाहता हूँ आप चेक शेड्यूल की जगह चेक, यहाँ पे लिखो ALAM अलार्म, ठीक है, चेक अलार्म लिखो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और 60 सेकेंड का यहाँ पे डिले देखने के लिए मिलता है, तो मैं चाहता हूँ आप इसे 30 सेकेंड का कर दो, ठीक है। और ऊपर वाले पे अभी हम एक छेड़खानी नहीं करेंगे, हम इस वाले पे करेंगे, क्योंकि इस वाले पे अगर कोई चीज़ आती है, अगर अप्रूव हो जाती है, तो हम उस वाले पे भी ये चीज़ परफॉर्म कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, शेड्यूल इज इक्वल्स टू अलार्म पाथ लोड कर रहा है ना, और जो टेक्स्ट जनरेट होगा वो टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो टेक्स्ट जनरेटेड है स्पीक करने के लिए। अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज अलार्म, ठीक है, दिस इज अलार्म, ऑलराइट। अभी हम एक काम करेंगे, इस चेक अलार्म को हम कॉल करेंगे अपने जार्विस वाले फाइल के अंदर। यहाँ पे पहले मैं चाहता हूँ आप मेन फाइल यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है,
और यहाँ पे टाइम डॉट अलर्ट ट्रू अलर्ट की से चेक शेड्यूल हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था, नहीं देखा है जाके देख लेना। और यहाँ पे चेक अलार्म को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। सबसे नीचे जाऊँगा मैं, यहाँ पे चेक अलार्म लिखूँगा और इसके अंदर फाइल पाथ पास करनी चाहिए, बट अभी मैं पास नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ इस पर एक एरर आए सो दैट मैं फाइल को यहाँ पे ला सकूँ। ये एक फाइल पाथ है जो हमें इसके अंदर पास करना होगा, अगर ये नहीं लेता है तो। अदरवाइज हम यहीं से इसे, यहाँ पे देखो कि एक आर्गुमेंट मिसिंग आ रहा है, मैं चाहता था ये एरर आए। बट अभी इसको आप कैसे रिसॉल्व करोगे, इसके लिए जारवेस वाले फाइल पाथ पे आ जाइए और यहाँ पे आपको ये देखो अलार्म पाथ लिख दो। अलार्म पाथ लिखने के बाद यहाँ पे अलार्म पाथ को कॉल कर लो कुछ इस तरीके से और इसे यहाँ पे रन कर दीजिए। रन करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले फाइल पे, अलार्म वाली फाइल पे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी कितना टाइम है, 11:17 है। लेट सपोज आप 11:18 का अलार्म लगाना चाहते हो, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसे, ठीक है। और लेकिन ये अभी रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने PM लिखा नहीं है, इसे सेव करते हैं, ठीक है। अभी ये सेव हो गया, लिख गया है। अभी ये वेट करेगा 11:18 के होने का, ठीक है। ये क्या करेगा, एक तरह के टाइम को सेव करता जाएगा कि मैंने बोला सेट अलार्म 8:18 PM, तो ये इस तरीके से सेव कर लेगा उसे। और जब भी मैं बोलूँगा तो बोलेगा दिस इज अलार्म। अब ये चीज़ हमें चेक करना है कि रन करने के बाद जब हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, रन करने के बाद जब हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा टाइम आ रहा है, जैसे कि अभी क्या है, टाइम है 11:17, और जब हमारा 11:18 हो जाएगा, क्योंकि देखो कोड पहले मैंने क्या किया, कोड को रन कर दिया, उसके बाद मैं उस फाइल के अंदर गया, उस फाइल के अंदर मैंने कुछ लिखा और उसके बाद उसे सेव कराया। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं दो फंक्शंस एक साथ चलाने वाला हूँ, और एक साथ चलाने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि उस वाली फाइल पे जब भी मैं अगर चाहूँ कि मैं बोलूँ कि भाई कल ये अलार्म मेरे को इतने बजे उठना है, इसके लिए अलार्म सेट कर दो, तो वो क्या करेगा, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम फॉर्मेट को उठाएगा, उसे वहाँ से उठा के इसके अंदर सेव कर देगा। अब सेव करने के बाद क्या करेगा, सेव करने के बाद वेट करेगा उस टाइम के होने का। अब यहाँ पे 11:18 हो चुका है, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि 30 सेकेंड का, उसमें 60 सेकेंड, इस पर 30 सेकेंड्स का वेट होगा क्योंकि हमने डिले डाल रखा है, ठीक है। और वो चेक करता है 30 सेकेंड्स के अंदर हर गैप में। सो लेट्स वेट गाइस कि एक बार ये चेक कर ले जल्दी से। और इसके होते ही हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा अलार्म सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। आई होप काम करना चाहिए इसे। नहीं, ये काम नहीं कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम चेंज हो चुका है बट ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं इक्वल्स टू लिखूँ और यहाँ पे 9 लिख के सेव करो तो क्या है, क्या होगा अगर मैं इक्वल्स टू डाल रहा हूँ, तो हो सकता है ये फॉर्मेट ना ले रहा हो। 11:19 PM डाला है तो क्या ये होगा, लेट्स वेट फॉर 30 सेकेंड्स मोर सो दैट हम इसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से गैस कर सकें, ठीक है। ये एक तरीका होता है टेस्टिंग का, जब भी आप एक प्रोग्राम डेवलप करते हो ना, तो कैसे आपको चेक करना है कि आपका कोड अच्छे से चल रहा है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने ये फॉर्मेट डाला तो यहाँ पे देखो एरर टू लोड शेड्यूल, ठीक है, इसने एक एरर दे दिया है, एक्सपेक्टेड टू गॉट वन एरर टू लोडिंग शेड्यूल। अब यहाँ पे बोला है कि भाई हमें दो आर्ग्यूमेंट मिलने चाहिए थे बट यहाँ पे सिर्फ एक ही मिला, ठीक है, ये उसका कहना है, तो इसकी वजह से ये एक एरर आ रहा है। तो अब आपको बता रहा हूँ कि ये एरर आ क्यों रहा है। तो अगर आप टाइम के अंदर थ्रो वाले फंक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ना हमने लोड फाइल करने की एक फाइल बनाई है, ठीक है, लोड शेड्यूल करके, और मैं चाहता हूँ आप इसे नीचे लाएं और लोड शेड्यूल की जगह लोड अलार्म टाइम लिखिए, इसकी जगह लोड अलार्म टाइम, और यहाँ पे जहाँ पे भी लोड शेड्यूल लिखा है वहाँ पे अलार्म टाइम लिखिए, ठीक है। वीडियो को स्मॉल मतलब थोड़ा सा स्पीड कम करके भी आप देख सकते हो। लोड अलार्म टाइम करने के बाद हमने क्या किया है, इसकी फाइल को कॉपी किया है। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ टाइम इफ़ लाइन इन फाइल, मतलब अगर लाइन फाइल में एग्जीक्यूट होती है तो इफ़ स्प्लिट आ रहा है, ठीक है, और तो ये उसे स्प्लिट कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है,
है ना। क्यों क्यों नहीं करना, क्योंकि हम उसमें टाइम ही सेव करा रहे हैं। तो इफ लाइन इन फाइल, मैं चाहता हूँ आप इसे हटाएं। इफ लाइन क्या मैंने यहाँ पे रिटर्न डाला था, कंट्रोल जेड करके देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे स्प्लिट करके शेड्यूल को। फॉर लाइन इन फाइल रीड करना है एस फाइल। हाँ अभी ये देखो, अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शेड्यूल एस सी शेड्यूल इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, ऐसे ऑपरेशंस वहाँ हम कर सकते हो। ओके एंड लेट्स चेक इट आउट राइट नाउ कि क्या ये अच्छे से चलेगा या नहीं। मैं यहाँ पे वन डालना चाहूँगा, मैं जस्ट टेस्टिंग करना चाहता हूँ अपने कोड की। और ये रहा हमारा जारवेस वाला फाइल जहाँ पे हमने चेक अलार्म पाथ को कॉल करके रखा है, और इसे मैं यहाँ से रन कर दूंगा। ठीक है, आपको अगर आपको मैं एल्गोरिदम समझाऊँ तो बहुत ही बेसिक सी एल्गोरिदम है ये, है ना। सबसे पहले मैं अलार्म वाले फाइल पे चला जाता हूँ और इसका टाइम चेंज कर देता हूँ, विच इज़ 23 राइट नाउ। ठीक है, 23 करके मैं इसे सेव कर देता हूँ और आ जाता हूँ आपके जार्वेस वाली फाइल के अंदर, या फिर आप इस वाली फाइल के अंदर देख सकते हो। वेयर इज द, ये देखो बेसिकली मैंने क्या किया कि जब हम स्प्लिट करते थे ना अपने, कौन से वाले में, रिमाइंडर सेट करते थे, शेड्यूल से बनाते थे, टाइम मैनेजमेंट वाला, उसमें मैंने क्या किया कि भाई अब स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ टाइम स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं टाइम स्टोर करा रहा हूँ, तो क्या करो, सिर्फ उसे फाइल को क्या करो, यहाँ पे देखो उस फाइल को उठाओ और उसे रीड कर लो, और रीड करके शेड्यूल को रिटर्न कर दो। अब ये शेड्यूल करेगा क्या, यहाँ पे देखो शेड्यूल इक्वल्स टू, इसके अंदर वो पाथ के अंदर लोड करेगा, उस पाथ को लोड करेगा और ये चेक करेगा। This is Alam. ये देखो जैसे 23 This हुआ, is Alam. This is Alam. ठीक है, This is Alam. This is Alam. ठीक है। मैंने अलार्म की स्पेलिंग गलत लिखी है, अलार्म होगा, ठीक है, दिस इज अलार्म। और इसे हम और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बना सकते हैं, जितना आप चाहो उसे बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे आप डिले डाल सकते हो कि कितने सेकंड्स का, 10 सेकंड में आपको बताए कि भाई ये अलार्म है। ठीक है, इसके अंदर आप चीज़ें डाल सकते हो बड़ी आसानी तरीके से। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनपुट वाले की, तो ब्रेन में आइए आप। और ब्रेन में हम अभी तक क्या कर रहे हैं, ठीक है, पैराफ्रेज करके उसमें से टाइमिंग निकाल के, ठीक है, और कुछ इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर रहे थे पूरी तरीके से, और उस फाइल को सेव करा रहे थे। ठीक है, ये वाला हमारा फाइल पाथ होता था। मैं चाहता हूँ आप यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करिए, एक फाइल बनाइए पहले सबसे नीचे। अब इनपुट मैनेजर पे आप क्या करिए, इनपुट मैनेजर अंडरस्कोर अलार्म, ये हमारा अलार्म का इनपुट मैनेजर है, और इसके अंदर आपको फाइल पाथ डालनी है। कौन सी फाइल पाथ डालनी है आपको, डालनी है अलार्म वाली पाथ। तो यहाँ पे मैं इसे करूँगा कॉपी पाथ, अब इस चीज़ की नीड नहीं है, अब आप इक्वल्स टू भी मत डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको वापस से ब्रेन वाली फाइल पे जाना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ये पाथ हमारा चेंज हो गया। ओके, अभी ये इनपुट मैनेजर तो हमारा बन गया, लेकिन यहाँ पे भी हम जब हम इसे पैराफ्रेज करेंगे ना, तो अभी ये दिक्कत करेगा, क्योंकि फ्रेज इनपुट में ये क्या करेगा, दो इनपुट पे डाल देगा। हालांकि आप इसे ट्राई करके देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इनपुट इनपुट मैनेजर अलार्म के अंदर ये पास करूँ, टेल मी टू स्लीप एट 10 PM लिख देता हूँ, ठीक है, PM मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई मेरे को 10 बजे पर उठा देना। अभी मैं इसको फाइल को रन करूँगा, तो यहाँ पे आ गया नो वैलिड टाइम। अच्छा, यहाँ पे हमें फॉर्मेट देना होगा PM, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसे एक बार रन करेंगे। यहाँ पे डेटा सेव हो गया। अभी ये अलार्म वाली फाइल पे चलो, देखो इसने इसी वाली फाइल के अंदर सेव करा दिया, बट जब भी आप इस पे वो करेंगे ये अगले लाइन पे चला जाएगा। फिर मैं एक बार इसे और रन करूँगा। जार्विस के अंदर हमने कौन सी फाइल रन की थी,
ये लो फिर से रन कर दिया। ठीक है, डेटा ऑलरेडी सेव्ड है बिकॉज हमने सेम डेटा कॉल किया था वापस से। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, आप जब भी इसे रन करोगे ऐसे सेव हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सेव होता जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरीके से सेव कर रहा है इसे, हमें इस तरीके से सेव नहीं कराना है। ठीक है, इस तरीके से हमें सेव नहीं कराना है। आप चाहो तो करा के रन करा सकते हो क्योंकि इसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये उस तरीके से इग्नोर ना करें क्योंकि फिर इसमें और उसमें रिमाइंडर में क्या फर्क रह जाएगा, समझ गए? अगर आप अलार्म सेट करा रहे हो और रिमाइंडर सेट करा रहे हो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जब लोड फाइल, अभी आपको क्या करना है, ब्रेन वाली फाइल पे वापस से जाना है। ब्रेन वाली फाइल पे जाने के बाद आपको ये वाला, ठीक है, फ्रेज इनपुट वाली जो फंक्शन है इसे यहाँ तक कॉपी कर लेना है, या फिर सेव, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और इसका एक नया यहाँ पे आइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इसे। ठीक है, इस लाइन पे कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे आपको ऊपर से देखना है, हमने क्या किया है, टाइम के फॉर्मेट्स बता दिए उसे और री की हेल्प से इसे डिज़ाइन कर लिया है, टाइम को इस पे अंदर स्टोर करा लिया है। अब यहाँ पे क्या किया है, रिप्लेस करा दिया है अपर के ये सबको करा के, और यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया है आउटपुट, क्या है, फॉर्मेटेड आउटपुट रिटर्न कराया है। फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होगा आपका, ये टाइम और ये। अभी मैं चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे हमें ये चीज़ चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ हमें चाहिए ही नहीं इससे, यानी कि हमें फॉर्मेटेड आउटपुट तो चाहिए ही नहीं, बस मुझे फॉर्मेट टाइम आप रिटर्न करा दो, मैं ये चाहता हूँ आपसे, और इस वाली फाइल में आप सेव करा दो, दैट इज़ ऑल। ठीक है, लेकिन ये मेरा जो फ्रेज है ना, ये अभी मेरा काम नहीं करेगा क्योंकि मैं इसे अलार्म के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक की हो तो आप सही कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशंस फंक्शंस के बेस पे चलते हैं। अभी यहाँ पे आपको अंडरस्कोर अलार्म करना होगा, अलार्म, ओके। अभी राइट नाउ मैं इसे वापस से रन करने वाला हूँ, बट फर्स्ट आई नीड टू रिमूव दिस बोर्ड। अभी मैं क्या करूँगा, टर्मिनल पे जाऊँगा और वो वाली फाइल वापस से रन कर दूँगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, आउटपुट टाइम फ्रेज, जस्ट सेकेंड गाइस, दिस फाइल आई हैव टू रन राइट एंड जस्ट रन इट। और यहाँ पे मेरे को एरर आ रहा है, कौन सी लाइन पे आ रहा है, इनपुट टाइम के अंदर, आउटपुट कॉमा टाइम, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है, हमें सिर्फ टाइम चाहिए था, तो यहाँ पे आपको आउटपुट की तो नीड है नहीं, राइट, आउटपुट की तो नीड है नहीं। अब यहाँ पे प्रिंट पास लिख देना, दैट इज ऑल। ठीक है, अभी इतना करो, रन करिए, और इफ आउटपुट इज नॉट वैलिड नेम आउटपुट, अरे यार फिर से हमने आउटपुट का किया। अभी ये वाला फाइल क्या, नो इनवैलिड इनपुट फाउंड, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, नो वैलिड टाइम फाउंड। सो ये आउटपुट से क्यों मैच कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न ये करा रहा है ना, सो रिटर्न क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, रिटर्न वैल्यू कर रहा है, क्या वैल्यू कर रहा है यहाँ पे, तो इसे आपको टाइम लिखना होगा, टाइम। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं आना चाहिए। अभी क्या एरर आ रहा है, एक सेव फाइल के अंदर टाइम कॉमा फाइल को एरर, सेव टू फाइल, वन आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, फाइल नेम। अच्छा, अभी सेव वाली फाइल के अंदर एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है कि यहाँ पे आउटपुट टेक्स्ट तो आपने दिया ही नहीं है, कुछ है होता ही नहीं आपके पास, तो भाई हमें कराना भी नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, हमें क्या कराना है, टाइम प्रिंट, टाइम राइट कराना है, समझ गए? और यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि मेरे को आउटपुट नहीं टाइम प्रिंट कराना है, ओके, ऑल राइट, चलो रन करते हैं इसे।
देखो डेटा सेव हो गया, अभी मैंने फाइल क्लियर कर दी थी, और यहाँ पे देखो फॉर्मेटेड टाइम सेव हो गया आके। ओके अब यही चीज सेम चीज मुझे चाहिए क्या मेरे ब्रेन के अंदर? मैंने इसे तो बना लिया, लेकिन अभी मेरे को इस अलार्म को अपने जार्विस के वॉइस के थ्रू कंट्रोल करना है, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है, को ब्रेन के अंदर आना है अपने। को ब्रेन के अंदर आने के बाद आपको याद होगा तो पिछली बार हमने टेलमी से स्टार्ट किया था, है ना, टेलमी से स्टार्ट किया था। तो इस चीज सेम चीज को आपको कॉपी करनी है, सेम चीज को कॉपी करके यहाँ पे आना है, सेम इफ कंडीशन के नीचे देखना, एकदम फॉर्मेट सही होना चाहिए। एल लिख के और यहाँ पे इसे इसका फॉर्मेटिंग कर दो सही से, कुछ इस तरीके से। एंड वेट, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर जाना है टॉप पे, मैनेजर की बात कॉपी करके इनपुट मैनेजर अलार्म को कॉल करना है, और यहाँ पे इनपुट मैनेजर अलार्म को कॉल कर लेना है। अभी आउटपुट टेक्स्ट आपका यहाँ पे सेव करा देगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट होगा ना वो टेलमी से नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेट अलार्म, सेट अलार्म। ओके अभी आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी आप अलार्म जैसे ही कंप्लीट होगा ना वो बजेगा नहीं, यानी प्ले नहीं होगा। वो कैसे प्ले होगा वो बताता हूँ। तो पहले आपको जारोस वाले फाइल में आना है, ये अलार्म वाला आपको यहाँ से हटा देना है, अभी इसका काम नहीं है। टॉप पे जाना है, यहाँ पे देखो चेक अलार्म को हमने कॉल किया था, इसे आपको थ्रेडिंग के अंदर कॉल करना है। तो थ्री टी सिक्स लिखिए, टी सिक्स इज इक्वल्स टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, और इसके अंदर टारगेट को पास करिए क्या, चेक अलार्म, ये अलार्म चेक करता रहेगा, और इसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, और वो आर्ग्यूमेंट होगा क्या आपका फाइल पाथ, है ना, सॉरी अलार्म पाथ होगा, और यहाँ पे कॉमा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वरना आपका कोड रन नहीं होगा। T6 को हमें स्टार्ट करना होगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा अच्छा दिखेगा, T6 डॉट स्टार्ट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो T6 डॉट जॉइन, T6 डॉट अवेयर इट इज, सॉरी मैंने शायद कोई की प्रेस कर दी, मैं उसके डेस्टिनेशन में पहुंच गया, यार उसके अंदर T6 डॉट जॉइन कंप्लीट हो गया है ना। ऑल राइट अभी हमें मेन फाइल को कॉल कर लेना है, एंड लेट्स रन अवर कंप्लीट जार्विस विथ जार्विस अलार्म फंक्शनैलिटी। मतलब बेहतरीन। आई एम ऑनलाइन एंड हियर टू असिस्ट सर। सेट अलार्म 11:35 PM, यहाँ पे आ गया डेटा सेव्ड, ठीक है, और यहाँ पे चलो देखो यहाँ पे वन आया, यहाँ पे मैंने 11 लिखा है, ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मेट डाला कि भाई जब 1:09 तक तो ये बढ़िया चलेगा, लेकिन 9 बजे के बाद ये वो हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोब्रेन से सॉल्व करेंगे। कोब्रेन से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सबको ऐसे तो फॉर्मेट कर दिया है, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि टाइम अभी कितना है। अच्छा अगर हमने जो सेट अलार्म के लिए टाइम डाला है, ठीक है, वो टाइम ये वैल्यू रिटर्न करेगा, समझ गया मैं, लेकिन हम इसे फॉर्मेट कैसे करेंगे, लाइक कैसे पता करेंगे कि टाइम अभी कितना है, और सॉरी मतलब जो हमने टाइम दिया है यानी कि रिटर्न वैल्यू जो दे रहा है, ये कौन दे रहा है रिटर्न वैल्यू, ये इनपुट मैनेजर अलार्म, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, थ्रो के अंदर चलिए, ठीक है, लोड फाइल करने के बाद ये एक शेड्यूल रिटर्न कर रहा है,
नहीं ये वाले नहीं, नीचे वाला है ये देखो, शेड्यूल को कोई एक रिटर्न कर रहा है जो कि एक टाइम है, ठीक है, एक टाइम रिटर्न कर रहा है शेड्यूल, यहाँ पे शेड्यूल इसने रिटर्न कर दिया। अभी इस शेड्यूल को मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना होगा फर्स्ट कि इस शेड्यूल में ये लोड लोड अलार्म टाइम, हाँ लोड अलार्म टाइम, इस फाइल से हम लोड अलार्म टाइम कॉल करें क्या, और ये चीज़ हमें दोनों के अंदर करनी होगी, ठीक है, कोब्रिन के अंदर पहले हम लोड अलार्म टाइम को कॉल करते हैं, कॉमन लोड, क्यों क्यों भैया कॉल क्यों नहीं हो रहे हो, चेक कर लेते हैं, थ्रो के अंदर चलते हैं, अच्छा थ्रो में है तो हम इसे ब्रेन से कैसे कॉल कर रहे हैं, तो थ्रो के अंदर हम से हमें इसे कॉल करना होगा, कोब्रेन के अंदर जाइए, कोब्रेन के अंदर जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर कुछ और लॉजिक डाल सकते हैं क्या, नंबर्स तो हम ऐड कर देंगे ये वाला, लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन डाल देते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है ना। चलो देखो इफ के अंदर एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन डालिए, इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, ये चल जाता है तो आपका काम बन जाएगा, अगर ये 9 से कम है तो इसका यूज करिए, वरना एल्स एल्स पे हम एक सिचुएशन डालेंगे विच इज नॉट रिप्लेस, ठीक है, और फॉर नंबर इन नंबर्स, एल्स शायद बाहर आना चाहिए था, इफ रिप्लेस कर देगा दैट इज फाइन, फॉर नंबर इन नंबर्स जब तक नंबर्स नंबर के अंदर है तो चेक करो, और ये है तो ठीक है, नहीं है तो जस्ट पास कर दो। लेट्स ट्राई दिस लॉजिक, यार बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है जार भी हमारा, चलो रन करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं, फाइल लॉन्ग डेटा, सर आई एम नाउ ऑनलाइन, सेट अलार्म 11:40 PM, ओके, सो यहाँ पे आया कि भाई नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंटीजर, तो भाई तुम वहां पे नंबर लगा सकते हो, तो देखो पहले इस एरर को समझते हैं, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दे के रखी है ना, स्ट्रिंग वैल्यूज दे के रखी हैं, और ये स्ट्रिंग वैल्यूज हम रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन इसने ये बोला कि भाई तुम चेक कर रहे हो क्या, इंटीजर वैल्यू चेक कर रहे हो, और यहाँ पे तुमने क्या देखे रखा है, तुमने स्ट्रिंग वैल्यू देखा है, तो स्ट्रिंग को मैं कैसे कंपेयर कर दूँ इंटीजर से, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इंट लिख दो, इंट कन्वर्ट करने के लिए इसे, और एक चीज़ और है, आप जो आपका तो वो कॉलन है ना उसे आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो का मतलब है कि इस नंबर का यानी कि पहला लेटर उसे क्या करो कन्वर्ट कर दो इंटीजर वैल्यू में, कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर चेक करो कि क्या वो 9 से छोटा है या नहीं, ठीक है, दैट इज ऑल गाइस, और यहाँ पे आप बाकी तो सारी चीजें सही है ना, बाकी सारी चीजें सही है, एक बार रन कर देते हैं इसे, वन मोर टाइम लेट्स रन इट, लेके प्रभु का नाम,
लेट्स सी, ओके सर आई एम ऑनलाइन एंड रेडी टू सपोर्ट. सेट अलार्म 11:45 PM. यहाँ पे डेटा सेव हो गया, 11:45 पे यहाँ पे डेटा सेव है. ठीक है, अब लेट्स वेट. आपका जापिस ने वो डेटा सेव कर लिया है. अब 45 पे वेट करते हैं. जैसे ही 45 होता है, अगर वो अलार्म का मैसेज आ जाता है, दैट मीन्स आपने सक्सेसफुली एक बेहतरीन जार्विस के अंदर अलार्म सिस्टम फिट कर दिया है. ठीक है, और यहाँ पे अभी हम सी चीज़ें सिर्फ इंक्लूड कर रहे हैं. आप देख रहे हो ये रिप्लाई नहीं दे रहा है जार्विस. ठीक है, अभी सिर्फ मैं सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ, और फिर लास्ट में देखना आपको मैं कितना बेहतरीन जार्विस दूंगा ना. हर चीज़ में आपको आउटपुट देगा वो, हर चीज़ में स्पीक करेगा. तो परेशान मत हो, अभी मैं डायलॉग पे तो काम ही नहीं कर रहा, अभी मैं बैक में काम कर रहा हूँ, उसके सिर्फ बैक एंड में चल रहा हूँ, चीज़ें चला रहा हूँ. और बताना मुझे कि किसी भी पूरे इंटरनेट में सारे वीडियोस देखो आप, बताना किसने आज तक इतने डिटेल में सारी चीज़ें एक बाय स्टेप, चाहे वो अलार्म फंक्शन हो, चाहे बेस्ट एडवांस एंड सुपर फीचर्ड हो, जिनके पास बताना मुझे किसके पास. तो यहाँ पे देखो 11:45 हो चुका है. लेट्स वेट कि अभी आपका 30 सेकंड्स के अंदर आपका जो अलार्म सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी मैंने शायद 10 सेकंड्स का डाल दिया था, कुछ तो डाला है, याद नहीं मुझे. लेट्स सी. और यहाँ पे देख सकते हो आपका स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शन भी बहुत बेहतरीन काम करता है. अच्छा भाई, नाक मत कटाना मेरी, बज जा अलार्म. देखो व्यूवर्स भी बोल रहे होंगे यार बच्चा नहीं बजा यार, क्यों नहीं बजा, क्यों नहीं बजा अलार्म. 46 हो गया, देखते हैं. तो यहाँ पे अलार्म डेटा में अभी रिप्लेस नहीं हुआ यार, ये 145 लिख के बैठा है. अभी भी दिक्कत है. कोब्रेन के अंदर देखते हैं क्या दिक्कत है. अगर ये आ जाए तो इनपुट के अंदर टेक्स्ट पास कर दो, इसको इनपुट वाली लाइन भी लेके आओ. इंडेक्सिंग इसकी जो इंडेंट है वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं पहले. और ये इफ़ के अंदर, इसके अंदर एल्स मत डालो क्योंकि ये लूप के अंदर चला जाएगा. इसको एल्स बाहर लेके आओ आप, इस वाले के बाहर. ठीक है, एक बार ये करके देख लो. आई होप चीज़ें आपकी रिसॉल्व हो जानी चाहिए थी, है ना, रिसॉल्व हो जाए. एक बार और देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक, क्या कोई करेक्शन चाहिए क्या हमें. अभी यहाँ पे हमने ऑटोमेशन का पास करके रखा है, राइट. तो ऑटोमेशन में तो बिल्कुल परफेक्ट है, और ऊपर नंबर्स भी हमने पास कर दिए, बिल्कुल सही है. पीएम को कन्वर्ट कर दिया, अदर भी सही है. इनपुट मैनेजर से अलार्म को भेज दिया, ये भी सही है. लेट्स सी एंड डू द लास्ट टाइम. ठीक है, एक बार और इसको चेक कर लेते हैं. अभी यहाँ पे कोब्रेन में क्या एरर किस चीज़ का आ रहा है, इंडेंट का एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है, किस चीज़ का. यहाँ पे एक स्टेप इसको आगे बढ़ा दो, एरर चला जाएगा. ठीक है, अभी भी स्टिल वन एरर. व्हाट एरर, इसे भी यहाँ पे फॉलो कर दो. ठीक है, एरर जा चुका है ना. चलो जार्विस फाइल के अंदर चलते हैं. लेट्स सी गाइस, लेट्स सी. सर आई एम ऑनलाइन एंड रेडी टू फॉलो योर ऑर्डर्स. सेट अलार्म 11:48 PM. ओहो, ये लूप पे चला गया फिर से. और यहाँ पे 11:48 PM, ये क्या हुआ, 11:48 PM. ये दो दो टाइम कैसे गए इसके. अलार्म डेटा पे चलो, 8 AM लिया है, फिर 8 AM लिया है.
कर क्या रहे हैं सर आप? पहले तो मैं इसको थोड़े से इंडेक्सिंग कम करता हूँ, पता चलेगा मुझे मैं गलत क्या कर रहा हूँ। ये तो इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है, ये इसके अंदर ही रहेगा। एल्स एल्स भी आई होप इसके अंदर ही रखना है। ठीक है, इसकी भी ये सही कर दिया, इसको भी सही कर दिया। सो इन माई माइंड देयर इज समथिंग एल्स। एक काम आप यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे इन्हें हटा दो, ठीक है, ऐसे लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यहाँ से 9 तक ले लिया आपने। अभी यहाँ पे अलार्म वाले पे देखो, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ आपको, जैसे ही कंप्लीट होगा सेम चीज़ आपको इसमें इम्प्लीमेंट कर लेनी। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ़ की जगह क्या यूज़ करना है वो बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे फॉर की जगह यूज़ करना होगा आपको, यहाँ पे एफ़ लिखो, ठीक है, डबल कोट यहाँ पे स्टार्ट करो, यहाँ पे भी डबल कोट स्टार्ट करो, और यहाँ पे ना इसे ब्रैकेट दो, ठीक है, यहाँ पे इसे ब्रैकेट दो कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से दो, समझ गए, लॉजिक समझे, आई होप समझ गए होगे। अभी आउटपुट टेक्स्ट के अंदर अगर आपका ये नंबर आता है, क्या आता है, एफ और ये ब्रैकेट, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आता है आपका, सॉरी डबल कोट के अंदर एक कोट हटा देता हूँ मैं, एक डबल कोट यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, और इस ब्रैकेट के बाहर ये डबल डॉट्स लगा देता हूँ। हाँ समझे, अभी इस एल्स की ज़रूरत नहीं है आपको, इस एल्स को हटाइए, ठीक है, इस एल्स को हटाइए यहाँ से, और यहाँ पे अभी होगा क्या, ये सिर्फ सारे डिजिट्स उठाएगा और यहाँ पे चेक करेगा भाई कि वो अगर आउटपुट के अंदर है, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि इफ़ वैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, एक काम करो इसे कंट्रोल जेड करिए और यहाँ पे ना इसे कमेंट आउट करिए, कमेंट आउट करने के बाद चेक इनपुट्स का यूज़ कर रहे हैं हम, तो अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इंडेंट एरर ही आ रहा है क्या, इसको थोड़ा सा इंडेंट इसकी सही कर दीजिए, अभी क्या एरर आ रहा है, रेडिश क्यों हो रहा है ये, इंडेंट तो सही है इसकी, ओके विच लाइन, एक बार मैं इसे रन कर देता हूँ ऐसे खाली, ठीक है, एफ नंबर इन आउटपुट टेक्स्ट, ओके एक सेकेंड यार, फिर से मैंने हटा दिया, इस पे एरर क्या आ रहा था वो देखना था, ओके सो यहाँ लूप पे, इस पे यूज नहीं करना है आपको, इफ नंबर्स इन नंबर्स एंड इफ नंबर्स इन आउटपुट टेक्स्ट देन डू दिस। अभी क्या एरर आ रहा है भाई, लगता है लाइफ में, अच्छा डबल कोट मिसिंग आ गया, ये दुख कहे नहीं खत्म होता है। जार्विस को कॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा बुला लेते हैं, भाई जार्विस थोड़ा कष्ट कर लो,
थोड़ी बहुत कोडिंग करनी स्टार्ट करो, तुम मत करो वरना आप बना बना बिगाड़ दोगे। सेट अलार्म 11:59 PM। आ गए भैया, आप ही का इंतजार था। अब रुक जाइए जरा, कंट्रोल सी कर देते हैं। तो भाई क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत आ गई कि भाई नंबर को इससे कैसे रिप्लेस करें, बताओ कैसे रिप्लेस करें? नहीं कर सकते क्योंकि नंबर तो है ही नहीं उस पर, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर एफ लगाओ, एफ लगाने के बाद डबल कोट लगाओ, डबल कोट लगाने के बाद इसके अंदर ना इसको ब्रैकेट के अंदर डालो, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर डाले और ब्रैकेट के बाहर इसको ऐसे कर दो, समझ गए? फॉर्मूला समझे क्या है? कुछ इस तरीके से इसको चेंज कर दो यार। मैं पहले छोटे नंबर्स के लिए ट्राई करता हूँ, और जब छोटे नंबर्स के लिए हो जाएगा तब मैं बड़े नंबर्स पे इसी में आप इम्प्लीमेंट कर दूंगा, बस लॉजिक सेम रहेगा हमारा। हियर इज द टाइम डेटा सेट इलाम, सॉरी यार, सेट अलार्म 8:35 PM। 8:35 PM हो गया। सेट अलार्म 42 PM, इनवैलिड फॉर्मेट है ऑब्वियस बात है। सेट अलार्म 8:32 PM, ठीक है ये भी सही। सेट अलार्म 11:32 PM, सेट अलार्म 11:32 PM। अब यहां 11 को इसने 1 कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? मतलब लॉजिक अभी हमारा इस पर करेक्ट चल रहा है। तो कोब्रिन के अंदर चलते हैं और अभी इनको थोड़ा सा डबल स्पेस पर डालते हैं और इसे कमेंट इन करते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब तक नंबर 9 से छोटा रहे तभी तक ये ऑपरेशन परफॉर्म करो भैया, ठीक है? इससे ज़्यादा करोगे मतलब गड़बड़ है। और अगर ये इससे ज़्यादा है तो डायरेक्ट इसे पास कर दो, क्यों? सही है? लेट्स सी अभी क्या ये काम करेगा। अभी हमारा एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? तुम्हारी जिंदगी में एरर ही एरर। ये लो, इंडेंट एरर था क्या? अभी अभी तो चला गया सर। तो रन कर दें? कर दीजिए सर, रन कोड से ना रन करिए सर, बहुत बेकार है। आप एक काम करिए, पाइथन कोड से रन करिए, इसे बढ़िया दिखेगा आपका टर्मिनल, है ना? लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। अलग अलग चलते हैं, हटा देते हैं एक बार। सेट अलार्म 8 AM, हो गया, पहले में ही एरर आ गया, अभी क्या दिक्कत हो गई? एट एम पे हमने क्या किया? लाइन दिया, लाइन देने के बाद क्या किया? इनपुट पैरिस के अंदर परफॉर्म किया प्लस। सेट अलार्म 8:32 PM, एरर आ गया। तो लिशन बस चल रहा है, ये चल ही नहीं रहा है ना, ये दिक्कत हो गई। तो आपका कोब्रेन कहाँ है? ये रहा आपका कोब्रेन और ये रहा आपका फंक्शन। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि इसको मैं रिप्लेस करा रहा हूँ इस चीज से। अब ये रही बात भैया कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है और ये एक अलग ही दुनिया है। क्या बोलते हैं सर?
आपने यहाँ क्या किया है कि एक बार जब ये टाइम प्रिंट करेगा उसके बाद अगली लाइन में आ जाएगा, है ना। ये रहा इसका फॉर्मेट। अब ये टाइम तो प्रिंट करे बट इसे हम हटा देते हैं, या फिर एक काम करिए कंट्रोल सी करिए, अनिल इम्पैक्ट कंट्रोल भी करिए और इस वाली को कमेंट आउट करिए और यहाँ से ये चीज़ हटा दीजिए एक बार, हम भी तो देखें ज़रा क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर जो हम नहीं सॉल्व कर सकते। हम मतलब आप और मैं, ठीक है। ओके सो अभी रात के 12 बज चुके हैं, लेट सी। सेट अलार्म 8 AM हो गया, अभी क्या दिक्कत हो गई। कैन ओनली कॉन्केटिनेट टपल नॉट स्ट्रिंग टू टपल। तो ये मैंने दिया किस में है, अलार्म के अंदर ही दिया था ना। मैं अपना फोन साइलेंट कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले तो, सो दैट आपको फालतू के नोटिफिकेशंस की साउंड ना आए। ये आपको ब्रेन के अंदर आ रहा है एरर लाइन नंबर 93 में, ठीक है। ऐसे आप पता लगा सकते हो कि ब्रेन के अंदर लाइन नंबर 93 के अंदर ये एरर आ रहा है आपको, समझ रहे हैं, ये एरर आ रहा है आपका। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं एक बार ताकि हम एक बार वेरीफाई कर सकें कि जो हमारा लॉजिक है वो सही है या नहीं। कहाँ अच्छा खासा हमारा अलार्म चलने लगा था, ये दो डिजिट के 11 और 12 ने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। छी छी छी, बहुत बुरी बात। सेट अलार्म 8 AM, फिर से दिक्कत। अभी क्या दिक्कत हो गई, टाइम राइट नहीं कर पा रहे हो। अब एक काम करो, अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अभी एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम कंट्रोल जेड करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। अभी सिंपल सा जो चीज़ थी उसको रहने देते हैं, ठीक है, और कोब्रेन के अंदर चलते हैं। कोब्रेन के अंदर क्या था, जो लॉजिक हमने लिखा था ना, वो लॉजिक के अंदर हम एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वेयर इज द लॉजिक, इसको इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, और इसको यहाँ पे लेके आइए, इसको ऐसे ही रखिए जैसे मैंने बोला था, ठीक है। ओके ऑल राइट, तो हम यहाँ पे हैं अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाली है, इफ़ कंडीशन, ठीक है, कि ये नंबर अगर इसके अंदर आते हैं तो आप इसको, ठीक है, चेंज कर दो। अभी एक कर क्या रहा है, इन नंबर्स को देख रहा है और उन्हें चेंज कर दे रहा है जीरो लगा के। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ SPL नंबर स्पेशल नंबर्स इज इक्वल्स टू 11, 11, 12, ठीक है, जब अपना दिमाग है तो क्यों इतना लॉजिक लगाना, ठीक है। स्पेशल, अभी मैंने जितने पॉसिबल वे हो सकते हैं उतना बता दिया आपको, जो सूट करे वो कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज़ किया इसके अंदर और हमने ये परफॉर्म कर दिया, ठीक है। बट इसे मैं चाहूँगा कि आप इसे कुछ इस तरीके से यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, इफ
क्या हम नंबर्स चेक कर सकते हैं? मैं यहाँ पे एक टेस्ट नाम की फाइल बनाऊंगा, test.py, ताकि मैं कुछ भी ऑपरेशन हो ना यहाँ पे चेक कर सकूँ। अगर मैंने x इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा 11 pm कॉल मी, अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, इफ 11 इन टेक्स्ट, सॉरी इट्स एक्स नॉट टेक्स्ट, प्रिंट यस, मेरे को ये चेक करना होगा क्या ये? ठीक है, तो ये यस हो गया। मतलब हम इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई उसके अंदर कोई टेक्स्ट है या नहीं। अभी मैं इसका लॉजिक का यूज़ करूँगा, कहाँ पे यूज़ करूँगा, अपने इसके अंदर यूज़ करूँगा, कहाँ पे यूज़ करूँगा, कोब्रेन के अंदर। कोब्रेन के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे इफ कंडीशन में डालूँगा, इफ 11 इन आउटपुट टेक्स्ट देन डू दिस, ठीक है। यहाँ पे और भी चीजें परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे और देखो दो ही कंडीशन थी, ठीक है, तो मेरे को लगा यार इतना बड़ा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, दो कंडीशन ही तो है इसके अंदर। और 12 इन टेक्स्ट आउटपुट टेक्स्ट, राइट, आउटपुट टेक्स्ट देन ये परफॉर्म करो, ठीक है। एल्स यहाँ पे एल्स आप ये परफॉर्म कर दो, ठीक है, इसके इंडेंट सही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी इंडेंट भी सही कर दी, ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये काम भी कर रहा है, क्योंकि ये लॉजिक बहुत ही इजी है, ठीक है, क्योंकि दो स्पेशल केस बस होते हैं हमारे पास। लेट्स सी, सेट अलार्म 8:32 PM, सेट अलार्म 8:45 PM, सेट अलार्म 11:42 PM, दैट्स इट गाइस, वी डिड इट, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग काम। अभी सेम चीज आपको कहां पे अप्लाई करना है, सेम चीज जार्विस कोब्रेन के अंदर जाइए, ठीक है, कोब्रेन के अंदर यही चीज जो आपने यहाँ पे अप्लाई की है ना, सेम चीज, ये कंडीशन आपको ऊपर भी अप्लाई करनी है, कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई करनी है, समझ गए, कहाँ पे, इसको एक बार यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ से इरेज करके कम्प्लीटली यहाँ से हटा के और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये क्या करेगा, चेक करेगा टेल मी के आने के बाद कि अगर उसके अंदर 11 या 12 है तो डायरेक्ट वो, बट यहाँ पे आपको इनपुट अलार्म नहीं, इनपुट मैनेज पे डालना है, और यहाँ पे भी आपको इनपुट मैनेज पे डालना है, ठीक है। ऑल राइट, आई होप सारे लॉजिक्स क्लियर हो गए हैं एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। नहीं समझ में आए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो या फिर रिवर्स पे लेके जाओ। यहाँ पे मैंने जब कंट्रोल जेड किया था ना, मैं पुराने वाले जब मैंने स्टार्टिंग में कोड बनाया था ना, वहाँ पे लेके गया था, और अभी भी पूरा कोड ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक करके आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है, पॉज कर करके देख लीजिए, कोई भी दिक्कत आ रही है तो एक बार अच्छे तरीके से मैच कर लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कोड जल्दबाजी में आगे पीछे किया होगा, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आ सकती है राइट करने में, बट आप सामने देख के क्लियरली लिख सकते हो इसे, ओके। जार्विस वाली फाइल है आपकी यहाँ पे कंप्लीटली रेडी हो चुकी है,
अभी मैं एक बार अलार्म चेक करना चाहूँगा अपने जार्विस डॉट पी वाई के अंदर से, तो मैं इसे एक बार रन करूँगा। लेट्स सी। सर, आई एम ऑनलाइन एंड रेडी टू सर्व योर नीड्स। सेट अलार्म 12:14 AM। अरे यार, जब भी मैं कुछ ट्राई करता हूँ ये हो जाता है। अभी सेम चीज हो गई, अभी क्यों नहीं हो रही? क्या हो गया? सेट अलार्म AM। कैन ओनली कंकैटिनेट। क्या हो गया अभी? अभी क्या हो गया यार? गलत बात है ये। ठीक है, इनपुट देखते हैं, कोब्रेन पे चलते हैं। हाँ, सामने जस्ट मैंने ट्राई किया, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। जार्विस को एक बार फिर से कॉल करते हैं, रन करते हैं। सेट अलार्म 12:15 AM। लो अब यहां पे भी एरर आने लगा। अभी कैसे चल गया? फिर कंट्रोल चेक कर दूं एक बार मैं। ठीक है, ये पुराना वाला कोड इसके अंदर है और नीचे हमने जो चेंज कर दिया था वो है। और जार्विस को मैं ऐसे कॉल करता हूँ। सेट अलार्म 11:42 PM। सेट अलार्म 12:42 AM। AM में क्यों दिक्कत आ रहा है और 12 में क्यों दिक्कत आ रहा है? टपल स्टार्ट्स मस्ट कंटेन स्ट्रिंग नॉट नन टाइप। व्हाई इज दिस हैपनिंग गाइस? जितने भी पॉसिबल एरर हो सकते थे ना, सब आ रहे हैं। देखो, 12 बजे पे एरर आ रहा है, 11 बजे पे एरर नहीं आ रहा है, 11 बजे वाला टाइम सेव हो जा रहा है। सेव हुआ क्या? नहीं हुआ। फाइल तो सेव करके दिखा रहा है कि भाई सेव हो चुकी है आपकी फाइल। लेट्स सी, कंट्रोल सी से मैं पहले इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि लाइन डॉट स्टार्ट विथ टाइम। ये ब्रेन डॉट पी वाई 86 लाइन। हाँ, 86 लाइन क्या है भाई? अगर लाइन हो, हम कर क्या रहे हैं वैसे? टाइम हमारे पास और फाइल है, हमने ओपन कराया, ठीक है, तो हम कर क्यों रहे हैं इतना सब कुछ? यहाँ पे हम W लिखते हैं, टाइम का हमें फॉर्मेट मिल चुका है, ये सब क्यों करना है हमें? रीड लाइन भी क्यों करनी है हमें? फाइल डॉट राइट, राइट क्या कर दो? टाइम राइट कर दो, है ना? टाइम राइट कर दो प्लस एक फॉरवर्ड स्लैश एंड डाल दो ताकि अगली लाइन पे चले जाओ आप। क्यों? सही कहा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा जार्विस पी वाई कोब्रेन? ये रहा। लेट्स रन इट। अरे यार, अभी तो रन किया तो नहीं हुआ था। इंटरनेचर एन इसके अंदर आ रहा है। आफ्टर एक्सेप्ट स्टेटमेंट इन 80 लाइन।
ट्राई ब्लॉक को यूज किया है, एक्सेप्ट का क्यों नहीं किया? फाइल नॉट फाउंड, पास कर दो यार, जितनी फाइल्स उतनी इशू। कोब्रेन हार नहीं मानेंगे, बेस्ट बना के रहेंगे। सेट अलार्म 8:42 AM। AM में ये दिक्कत आ रही है, और AM में क्यों दिक्कत आ रही है ये देखते हैं। सेट अलार्म के अंदर जब भी हम करते हैं तो ये क्या करता है, थ्रेडिंग डॉट पी वाई के अंदर से, फिर से थ्रेडिंग डॉट पी वाई के अंदर से सेट अलार्म के अंदर आउटपुट टेक्स्ट को पास करता है। ये क्या करता है, टाइम को राइट करने की कोशिश करता है, बट ये कॉन्केटिनेट नहीं कर पाता। नॉट स्ट्रिंग टू टपल। सो हमें अभी क्या करना है, ब्रेन वाले पे जाना है, और यहाँ पे ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग है और टाइम हमारा टपल जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे str लिख दूँ ऐसा, दस क्या ये काम करेगा? लेट्स सी, इट विल वर्क और नॉट। चार्जिंग पे भी लगा लेते हैं अपना लैपटॉप। सेट अलार्म 11:32 PM। सेट अलार्म 11:42 PM। सेट अलार्म 11:20 AM। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेट्स सी, नॉट इनवैलिड इनपुट टाइम फाउंड। ये रिटर्न करा रहा हूँ भाई। हाँ अच्छा, AM में दिक्कत हो रही होगी। सेट अलार्म 11:32 PM। ओके गॉट इट। देखो अभी ये दिक्कत काहे आ रही है मैं वो बता दूं आपको। कोब्रेन में हमने सिर्फ PM के लिए बनाया फॉर्मेट है ना, इसी चीज़ को आपको कॉपी करना है और इसे नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, और सेम चीज़ आपको AM के लिए रिपीट कर देनी है। AM के लिए रिपीट कर देनी है, ठीक है। AM इसीलिए भी यहाँ पे भी सेम चीज़ AM के लिए भी आपको रिपीट कर देनी। ओके ये आपका सही फॉर्मेट हो गया। ऑल्सो अभी वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है कुछ ऐसा मैंने देखा ना, क्या कर रहा था, ब्रेन क्या कर रहा था हमारा, राइट कर रहा था नेक्स्ट लाइन पे है ना। एक बार इसे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ पूरा, जो हमारा था ना, ठीक है, फाइल्स ये थी हमारी, ऐसा था ना आपका, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस ये ध्यान रखो, राइट टेबल किया है, राइम किया है, टाइम को लिख के ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे टाइम को हमें str के फॉर्म पे, स्ट्रिंग के फॉर्म पे अंदर डालना था, दैट इज़ ऑल, इतना करना था ना। ये लो ऐसे, ठीक है, थ्रू अलर्ट। ओके सो जार्विस की ये फाइल थी हमारी इनपुट की। सो डोंट वरी गाइस, थोड़ा बहुत जो कोड इधर उधर हुआ है, मैं लास्ट में आपको सारे कोड्स दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के अंदर, तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज होंगे, वो आप एक बार देख लेना उसे और करेक्ट कर लेना। सेट अलार्म 12:23 AM। यहाँ पे अगर इन नॉट राइटेबल फाइल डॉट रीड लाइन, फिर से इशू कि राइट नहीं कर सकते आप, तो थ्रू मेल के अंदर, ब्रेन के अंदर हमने ये जो फाइल बनाया, रीड लाइन
लेट्स डू इट गाइस, इसको ऐसे ही करना होगा हमें, इसको यहाँ से हटा दो, इतना हटाओ, यहाँ पे लिखो फाइल डॉट राइट, राइट के अंदर हम क्या लिखना चाहते हैं, टाइम राइट कराना चाहते हैं, ठीक है, और टाइम के साथ हम क्या राइट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई तो नई लाइन में चले जाओ, ठीक है, नई लाइन पे चले जाओ, और साथ में इसे एक स्ट्रिंग के फॉर्म पे डालो टाइम को, सो दैट चीज़ें चेंज की जा सके, और अगर कोई फाइल नॉट फाउंड कर रहा था तो पास कर दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे प्रिंट करा दो फाइल नॉट फाउंड, ओके, कोब्रेन लेट्स रन जार्विस, सेट अलार्म 8:32 PM, सेट अलार्म 8:32 AM, सेट अलार्म 8:08 AM, सेट अलार्म 8:82 AM, 8:82 कुछ होता नहीं, राइट, सेट अलार्म 8:34 AM, ये सेम लाइन को अपडेट कर रहा है, अरे वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, है ना। एक चीज़ और देख लेते हैं, 11:12 भी ट्राई करते हैं, सेट अलार्म 12:25 AM, सेट अलार्म 11:42 AM, चलो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो रही हैं, ये सही चीज़ हो गई हमारी, है ना, और आपकी जो ये वाली थी ना जार्विस के अंदर ये शेड्यूल वाली फाइल, उसको भी हम चेक करेंगे, तो कोब्रेन के अंदर जो जार्विस आपका रन हो रहा था उसको एक बार वापस से रन करो, ठीक है, लॉजिक तो हमने सेम ही डाल रखा है इसके अंदर, है ना, लॉजिक नहीं डाला क्या सेम, शेड्यूल वाली फाइल पे जाओ, यहाँ पे देखो, टेल मी टू स्लीप एट 9 AM, एरर आ गया, ओके, सो शेड्यूल वाली फाइल पे कोब्रेन के अंदर जाइए, और ये जो फॉर्मेट है हमें इसी फॉर्मेट पे चीज़ें डालनी होंगी, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा करेक्टेड कोड है, और इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और बस एलिफ की जगह इफ़ डालता हूँ, इफ़ टेक्स्ट स्टार्ट विथ, यहाँ पे सेट अलार्म की जगह टेल मी डालते हैं, साथ ही इसकी जगह इनपुट मैनेजर को कॉल करते हैं, एंड सेट अलार्म का काम हो गया आई थिंक सो, है ना, सॉरी आपका क्या था ये रिमाइंडर, है ना, शेड्यूल वाले फंक्शंस, टाइम मैनेजमेंट असिस्टेंट टूल, टेल मी टू स्लीप एट 12:28 AM, अब क्या हो गया, ये भी एरर आपको सॉल्व करना होगा, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्लीप करने के लिए बोला कि भाई 12:28 AM पे आपको स्लीप कर दो, बट इसने बोला कि भाई आपने जो फाइल के अंदर दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं बट थ्री वर गिवेन, फाइल के अंदर दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं बट आपने थ्री दे के रखे हैं, ठीक है, और ये फाइल रही आपकी, एक सेकेंड, टेक्स टू आर्ग्यूमेंट जो कि यहाँ पे हमने दे के रखे और हमने थ्री दे के रखे हैं, बट एक सेकेंड ये ओवरलोडिंग हो रहा है, राइट, यहाँ पे हमने सेव फाइल करके रखा है, ओके, और इसलिए ये कारण हो रहा है, सेव टू ALARM
एफ आई एल ई, इसे यहाँ पे रीनेम करिए ए आर, सॉरी कंट्रोल जेड कर दूँ इसको, यहाँ पे चेंज करना है आपको, सेव टू ए अलार्म फाइल। ओके, अभी आपकी एरर नहीं आनी चाहिए, आपको एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो कोब्रेन पे जाके रन करिए इसे, जिन लोगों ने अभी तक फॉलो किया है ना उनका अब एरर नहीं जाएगा। टेल मी टू स्लीप एट 12:30 AM, टेल मी टू बी हैप्पी एट 1 AM, ठीक है। ये से बढ़िया हो गया, बढ़िया चल रहा है, अलार्म का भी आपका बढ़िया चल रहा है, और ये आपके दोनों साथ में भी चलेंगे, हो गया ना आपका सारा काम, हो गया। एनीथिंग एल्स गाइस, एनीथिंग एल्स, कुछ बचा क्या अलार्म का? अब हमें अलार्म चेक करना है क्या? आप बोलोगे अलार्म चेक करके दिखा दो प्लीज़, तो अलार्म चेक करके दिखा देते हैं आपको एक बार, फिर इसके बाद आपको फाइल्स दिखा देते हैं कि जो जो फाइल्स हमने अपडेट की हैं वो फाइल्स आप एक बार देख लें, ताकि अगर आपको कोई लाइंस की दिक्कत आ रही है तो वो चीज़ें आप वहाँ से देख के मैनेज कर सकें। कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं, जारी वाले फाइल पे जाते हैं, मेन वाले फाइल को रन कर देते हैं। मेन वाले फाइल को रन करने के बाद लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड लेट्स सी द मैजिक। सर आई एम ऑनलाइन एंड रेडी टू असिस्ट विद एनी टास्क्स, सर दिस इज योर स्लीप टाइम। अब इसने स्लीप टाइम क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे 12:30 पे मेंशन था। एंड हियर इट इज, हाँ ये रहा आपका, सेट अलार्म 12:31 AM, यहाँ पे सेव हो गया, अलार्म में सेव हो गया, लेट्स वेट 31 में, ठीक है 31 में वेट करते हैं, तब तक एक शेड्यूल भी डाल देते हैं। टेल मी टू स्लीप एट 12:31 AM, यहाँ पे भी डेटा सेव हो गया, शेड्यूल पे भी डेटा सेव हो गया, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपकी जार्विस के अंदर इंक्लूडेड हो गई हैं, और ये रहा आपका जार्विस, ये रहा, अब देखते हैं 31 हो रहा है, हो चुका। दिस इज अलार्म सर, दिस इज योर स्लीप टाइम। दिस इज अलार्म सर, दिस इज योर स्लीप टाइम, बोथ, ये देखो दिस इज बोथ टाइम, ठीक है। दोनों चीज़ें बेहतरीन तरीके से चल गई आपकी, और वो भी इनपुट के थ्रू, ठीक है, बेहतरीन सा जार्विस था। अभी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप फाइल जो मैं ही आज हमने अपडेट की है वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये रही आपकी ब्रेन फाइल, ठीक है, स्टार्टिंग से देखो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो आप कोड, हमने अपडेट यही वाली फाइल की है बस, ये brain.py है जो कि आपने प्रीवियस वीडियो पे टाइम ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म की थी, ठीक है। ये हो गया, थ्रो अलार्म पे देखते हैं क्या क्या हमने चेंज किया, धीरे धीरे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, पॉज करके आप लिख सकते हो। और ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को 0.25 सेकेंड्स में स्लो कर लो, स्लो करोगे तो वीडियो और भी धीमा चले लगेगा। थ्रो अलर्ट हो गया आपका, कोब्रेन हमने अपडेट किया है, सिर्फ इतना ही अपडेट किया, देखो चेक वाला, ये फिर आप शुरू से देख लो, कोई मिस्टेक मत करना।
और हमने मेन जार्विस की जार्विस डॉट पी वाई अपडेट किया, यहाँ पे हमने फाइल पाथ डाला है। चेक अलार्म फंक्शन को एक्टिव किया है और मेन डॉट पी वाई को फाइल किया है। ठीक है, तो सारी फाइल्स मैंने आपको दिखा दी है, साथ में कोड करके बताया, सारा लॉजिक्स आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज अब तक हमने टाइम से रिलेटेड दोनों, चाहे वो अलार्म हो चाहे वो रिमाइंडर सेट करना हो, दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे बिंदास और एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने के लिए मिली होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पे। मुझे पता है आपको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाकर अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आता